मैं डॉक्टर जेसी शर्मा, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में काम कर रहा हूं। और आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कि उच्च घनत्ता के सेब के बगीचे में मृदा एवं जल प्रबंधन और खादों का प्रबंधन किस तरह करना है ताकि किसान लोग अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकें। ये जो बगीचा है हमने 2016 में हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत लगाया था। और इस बगीचे में हमने लगभग 1000 पौधा लगाया है और हमारे पास वैरायटियां जो है वो अलग अलग है। सुपर चीफ है जिसके जो MM109 रूट स्टॉक के ऊपर लगाई गई है। दूसरा हमारे पास वैरायटी है रेड ब्लॉक्स जो M9 पे हमने लगाई है। और इस बगीचे में हमने जो स्पेसिंग रखी है पौधे का जो फासला है वो 2 मीटर का है और रो टू रो जो है फासला वो 2.5 मीटर का है। इस तरह हम 1 हेक्टेयर में लगभग 2000 पौधे जो है आराम से लगा सकते हैं। और अगर हमने फासला कम करना है जैसे हमारे पास रेड ब्लॉक्स दूसरी वैरायटी है उसको हमने पौधे से पौधे 1 मीटर की दूरी रखी है और रो टू रो जो हमने जो फासला है वो 2.5 मीटर ही है। तो उस तरह हम लगभग 4000 पौधे 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। यहाँ हमने हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पौधे को खाद किस तरह दी जा सके, पानी किस समय तक दे, किस समय पे दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए और किस जगह पे दिया जाए। तो ये हमारा ये ट्रायल है जिसमें खाद का और पानी का जो मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस समय पे दी जाए और इस तरह का हमने अध्ययन किया है। 2016 से हमने ये काम शुरू किया था और अब हमें 3-4 साल के बाद हमने अडहॉक जो है रिकमेंडेशन भी किसानों के लिए तैयार की है। तो ये जो हमारा बगीचा है इसमें सिंचाई जो करते हैं टपक सिंचाई के माध्यम से करते हैं। टपक सिंचाई की बूंद बूंद विधि से हम सिंचाई देते हैं जिसको हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। तो पानी इन पाइपों के माध्यम से चलता है और हरेक पौधे के लिए हमने 2 ड्रिपर रखे हैं जो इन ये 2 ड्रिपर हैं इनके माध्यम से हम इस तौलिए में पानी देते हैं। और इस तरह हमने देखा है कि मार्च से लेके जुलाई के अंत तक लगभग पौधे के लिए 30 सिंचाइयों की ज़रूरत रहती है। और जो खाद है वो हम ऐसा करते हैं कि 15 सिंचाइयों में देते हैं। 1 सिंचाई में हम पानी देते हैं और 1 सिंचाई में हम खाद भी साथ में डालते हैं। तो जब हम खाद को भी पानी के साथ डालते हैं उसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। तो ये जो हमारा पूरा बगीचा है ये ड्रिप फर्टिगेटेड है। ड्रिप के माध्यम से हम पानी दे रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से ही हम खाद देते हैं। तो जब हम खाद देते हैं तो हम 3 पोषक तत्वों को ज़्यादातर ड्रिप के माध्यम से देते हैं। जैसे नाइट्रोजन है उसको यूरिया के थ्रू देते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट तो हम इसमें नहीं प्रयोग में लाते हैं क्योंकि वो पानी में अच्छी तरह घुलती नहीं है, इसलिए हम उसके लिए एक मिश्रण है 19-19-19% उसमें नाइट्रोजन होता है, 19% उसमें फास्फोरस होता है, 19% उसमें पोटासियम होता है। तो फास्फोरस की जितनी भी मात्रा है पौधे के लिए चाहिए होती है वो हम उस मिश्रण के माध्यम से देते हैं। तो जब फास्फोरस की पूरी मात्रा हम ड्रिप से देते हैं तो जो बची हुई मात्रा है फास्फोरस इसकी नाइट्रोजन की और पोटास की वो हम देते हैं यूरिया के थ्रू और देते हैं हम म्यूरेट ऑफ पोटास के थ्रू। तो इस तरह हमने देखा है कि 15 सिंचाइयों में हम फर्टिगेशन करते हैं और कुल सिंचाइयाँ इन पौधों के लिए हमने जो 30 सिंचाइयाँ दी है। अगर जिन किसानों के पास ड्रिप है वो तो फर्टिगेशन कर सकते हैं। कुछ हमारे किसान भाई इस तरह के हैं जिनके पास ड्रिप सिस्टम नहीं होता है तो पारंपरिक तरीके से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो उसमें भी हमने देखा है कि अगर हम मार्च से लेके जुलाई तक हमने 9 सिंचाइयाँ निर्धारित की है जिसमें लगभग हर एक सिंचाई में हम 4 सेंटीमीटर की सिंचाई देते हैं। तो उसमें मार्च और अप्रैल के जो महीने उनमें हम लगभग 20 दिन के अंतराल पे 4 सेंटीमीटर की सिंचाई देते हैं और जून और जुलाई के मई और जून के महीने में हम लगभग 10 दिन के अंतराल पे 4-4 सेंटीमीटर की सिंचाई देते हैं। इस तरह जो किसान पारंपरिक तरीके से सिंचाई करना चाहते हैं उनको कम से कम 35-36 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है एक बगीचे के लिए पूरे सीजन के लिए। और अगर
हमने ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करनी है तब भी हमारे पास 35 सेंटीमीटर का कुल सिंचाइयाँ बनती है, तो उसको हम लगभग 30 सिंचाइयों में बांटते हैं। जैसे 35 सेंटीमीटर हमारी कुल मात्रा है सिंचाई की, तो उसको हम 30 से भाग करके देते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, इस इतनी मात्रा लगभग आती है हमारे पास। ठीक है, अगर ड्रिप के माध्यम से ना हो सके तो किसान भाई पारंपरिक तरीके से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह खाद की जो मात्रा है, जैसे हमने 2016 में ये प्रयोग यहाँ पे शुरू किए, 2016 में, तो हमने देखा था कि एक साल के पौधे के लिए हमने जो मात्रा प्रयोग में लाई थी 35 ग्राम नाइट्रोजन, 17.5 ग्राम फास्फोरस और 35 ग्राम पोटासियम। तो ये जो थी हमारी एक साल के पौधे के लिए हमने डोज निर्धारित की थी। तो इसी तरह जैसे हमारे पास अब लगभग 3 या 4 साल के पौधे हो गए हैं 2020 में, तो उस तरह 3 से गुना करके, जैसे 3 साल का पौधा है तो 100 से 105 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसी तरह 60 ग्राम के करीब उसके पौधे के लिए फास्फोरस चाहिए होती है और 100 ग्राम के करीब नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो ये 3 साल के पौधे के लिए हमने मात्रा निर्धारित की है, और जैसे ही पौधा किसी का 5 साल का होता है तो उसको 5 गुना कर देते हैं उस मात्रा को। अगर 6 साल का पौधा है तो 6 गुना कर देते हैं, और 7 साल के बाद हम ये उच्च घनत्व के पौधे हैं, उच्च घनत्व के बगीचे हैं जिनको हम कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन, उन 7 साल के बाद हम इस डोज को फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि पारंपरिक तरीके से जो सीडलिंग रूट स्टॉक पे बगीचे किसान भाइयों ने लगाए हैं वो तो लगभग 10 साल के बाद डोज को फिक्स करते हैं, लेकिन इसमें हम हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है इसमें हम 6 से 7 साल के बाद ही अपनी मात्रा को फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह किसान भाई ड्रिप के माध्यम से अगर सिंचाई करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, तो जो पोषक तत्व हैं उनकी जो पौधे अच्छे तरीके से ले सकते हैं। कम मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं, क्योंकि हम जितनी पौधे को मात्रा चाहिए होती है उसी के हिसाब से हम देते जाते हैं। जैसे अप्रैल और मई के मंथ में पौधे के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो हम उसी हिसाब से खाद की मात्रा को बढ़ा लेते हैं। जैसे मार्च के महीने में जब फ्लावरिंग होती है, मार्च और अप्रैल में फ्लावरिंग का जब टाइम आता है, उस टाइम पौधे के लिए पोषक तत्वों की कम मात्रा जरूरत होती है, तो क्वांटिटी हम उसी हिसाब से कम कर लेते हैं। जिस स्टेज पे ज़्यादा मात्रा में खाद चाहिए होती है, ड्रिप के माध्यम से हम ज़्यादा मात्रा में भी खाद दे सकते हैं। तो इसी तरह पानी की जहाँ तक बात है, पानी जो है वो हम बड़ी कम मात्रा में देते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, लगभग एक बगीचे के लिए मार्च से लेके जुलाई के अंत तक हम 30 सिंचाइयाँ देते हैं। और मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, चाहे किसान के पास कितनी अच्छी वैरायटी हो, कितनी अच्छी मिट्टी हो, अगर पानी की उपलब्धता है उनका तभी उसको ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से ही पोषक तत्व जड़ों तक पहुँचते हैं और पौधा ले सकता है। तो ये जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है इसमें नमी, प्रॉपर मॉइस्चर होना बगीचे के लिए बहुत ही जरूरी है, तभी बगीचा अच्छी पैदावार दे सकता है। अगर उसको सही टाइम पे, सही समय पे पानी मिले, खाद मिले, तो वो चीज़ें हम मुहैया करा सकते हैं पौधों के लिए ड्रिप के ही माध्यम से। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, कम मात्रा में पौधे के लिए चाहिए होते हैं। ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है पौधे के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए और फ्रूट की क्वालिटी के लिए। हमारे पास 6 सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और क्लोराइड। और ज़्यादातर हम जो पोषक तत्वों की हम कमी महसूस करते हैं वो बोरोन की करते हैं, या जिंक की करते हैं, या कॉपर की करते हैं, या मैंगनीज की करते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये ज़्यादातर हम फोलियर स्प्रे के माध्यम से ही पौधे को देते हैं। जैसे जिंक है, जिंक की हम जो स्प्रे करते हैं ये 1 से 2 स्प्रे हमें चाहिए होते हैं, और इसकी मात्रा जो होती है 0.5% होती है। ये हम ज़्यादातर मई और जून में पौधे के लिए देते हैं। जून के महीने में 0.5% जिंक सल्फेट का जो घोल हम बनाते हैं उसको हम पौधे के लिए स्प्रे के रूप में देते हैं।
लेकिन जब भी हमने पोषक तत्वों का स्प्रे करना है, जैसे जिंक है तो उसको जिंक सल्फेट के माध्यम से प्रयोग करेंगे, कॉपर है कॉपर सल्फेट के माध्यम से करेंगे, मैंगनीज है मैंगनीज सल्फेट के माध्यम से करेंगे, बोरोन को हम बोरिक एसिड के माध्यम से प्रयोग करते हैं। जो बोरिक एसिड है उसको हम दो स्प्रे देते हैं, एक तो हम अप्रैल में दे सकते हैं, एक हम जून में दे सकते हैं, और इसकी जो स्प्रे होता है वो 0.1% 100 लीटर में लगभग 100 ग्राम हमने डालना है। तो और ये जो हमारे पास जिंक का जो स्प्रे है, हम जिंक सल्फेट के माध्यम से देते हैं, तो 200 लीटर पानी में लगभग हमने 1 किलो के करीब हमने जिंक सल्फेट डालना है। लेकिन एक किसान भाई एक चीज़ का हम अवश्य ध्यान रखें, जब हमने जिंक सल्फेट प्रयोग में लाना है या कॉपर सल्फेट को प्रयोग में लाना है, मैंगनीज सल्फेट को प्रयोग में लाना है, तो चूना जरूर डालें उसमें, उतनी कंसंट्रेशन में चूना भी डालें। तो उसमें अगर 0.5% का हमने कॉपर सल्फेट का या जिंक सल्फेट का स्प्रे देना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि 0.5% ही हम चूने का भी घोल बनाएंगे ताकि पौधे के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो जिंक सल्फेट जो हम 0.5% के हिसाब से स्प्रे करते हैं और कॉपर सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट ये हम 0.3% के हिसाब से स्प्रे करते हैं। तो जब हम कॉपर या मैंगनीज सल्फेट प्रयोग में लाते हैं 0.3% के हिसाब से, तो हमें चूने का भी जो घोल होता है वो उतनी कंसंट्रेशन का बनाना पड़ता है, 0.3% उसमें चूने का भी घोल होना चाहिए ताकि पौधे के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो इसके बाद हम कई बार कैल्शियम का भी हम स्प्रे करते हैं, तो कैल्शियम का जो स्प्रे है कैल्शियम क्लोराइड हम प्रयोग में लाते हैं 0.5%, उसके हम दो स्प्रे देते हैं, वो देते हैं हम जून के महीने में। ये का हमने फल तोड़ने से लगभग को 45 दिन पहले देना है, दूसरा स्प्रे जो है वो कम से 20 से 25 दिन फल तोड़ने से पहले देना है। तो इस तरह किसान भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादातर हमारे पास हिमाचल में जिंक की कमी महसूस की गई है या बोरोन की कमी महसूस की गई है, मैंगनीज कॉपर इनकी हमारे पास कमी अभी तक आई नहीं है, ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है मिट्टी में, इसलिए स्प्रे देने की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है जिंक की और बोरोन की, इनको हम जिंक सल्फेट व बोरिक एसिड के माध्यम से पौधे को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जिन किसानों ने बगीचे सीडलिंग रूट स्टॉक पे लगाए हैं वहाँ भी पोषक तत्वों का जो है प्रबंधन जो बड़ा ज़रूरी है। तो जहाँ सीडलिंग रूट स्टॉक पे बगीचे लगे हैं वहाँ हमारी खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है और पानी भी हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो जो एक पूर्ण विकसित के लिए हम लगभग 700 ग्राम नाइट्रोजन देते हैं, 350 ग्राम फास्फोरस देते हैं और 700 ग्राम हम पोटास देते हैं। और नाइट्रोजन जो हम यूरिया के माध्यम से देते हैं और जो फास्फोरस है सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से देते हैं और पोटासियम म्यूरेट पोटास के माध्यम से देते हैं। तो ये जो हमारी FYM है और फास्फोरस है और पोटास है इसको हम दिसंबर या जनवरी के महीने में पौधे में डालते हैं। एक पूर्ण विकसित पौधे के लिए जैसे मैंने कहा 350 ग्राम फास्फोरस चाहिए होती है और 700 ग्राम पोटास चाहिए होती है और 100 किलो के करीब लगभग 1 क्विंटल के करीब गोबर की खाद साथ में गली सड़ी गोबर की खाद चाहिए होती है। तो फास्फोरस और पोटास और गली सड़ी गोबर की खाद तो हम दिसंबर और जनवरी के महीने में पौधे के तौलिए में अच्छी तरह से मिला देते हैं। जहाँ तक रही नाइट्रोजन की बात वो हम दो स्प्लिट में डालते हैं, पहली स्प्लिट तो फ्लावरिंग से एक महीना पहले हम पौधे के लिए देते हैं और दूसरी जो है वो एक महीने बाद देते हैं, फ्लावरिंग के लगभग एक महीने बाद दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हम इसमें एक से डेढ़ महीने का गैप रखते हैं दो स्प्लिट्स के बीच में। और ये जो है ज़्यादातर हम पौधे के तौलिए में इन खादों को डालते हैं और जब किसान भाई खाद डालें तो ये नमी अच्छी होनी चाहिए पौधे के लिए। तो सिंचाई जहाँ जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा है वो खाद देने से पहले अगर सिंचाई दी गई है उसके बाद खाद डालें तो अच्छी नमी बनने के साथ पौधे को पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं और पौधे की पैदावार भी अच्छी होती है। तो इसके बावजूद हमारे पास जैसे मैंने
उच्च गुणवत्ता की बात की थी, यहाँ जो सीडलिंग रूट स्टॉक पे पौधे लगे होते हैं उनके लिए भी पोषक तत्व उतने ही जरूरी है। जैसे मैंने कहा हमारे पास 6 पोषक तत्व होते हैं, उनमें से ज़्यादातर हम 4 पोषक तत्वों को हम स्प्रे के माध्यम से देते हैं, जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है। वो मैंने आपको कहा कि जिंक की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो 0.5% होती है और बोरिक एसिड की 0.1% होती है। कॉपर मैंगनीज की जो है हमारे पास ये, और आयरन की है, आयरन सल्फेट के माध्यम से डालते हैं, इनकी कंसंट्रेशन लगभग 0.3% होती है। तो मैंने आपको कहा कि इसके बावजूद ये जो पारंपरिक तरीके से पौधे लगे हैं उनमें हम कैल्शियम का भी स्प्रे देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के माध्यम से देते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर किसान भाई सही मात्रा में खाद को प्रयोग में लाते हैं, सही मात्रा में सिंचाई भी देते हैं, तो अवश्य किसान जो है अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता के फल भी ले सकते हैं। इसके बावजूद जब किसान भाई अपने पौधों से तुड़ान करते हैं उसके बाद भी मतलब लीफ फॉल से पहले लगभग 0.5-1% का यूरिया का स्प्रे भी दे सकते हैं, ताकि उसको हम कहते हैं फोर्स लीफ फॉल, अच्छी तरह से लीफ फॉल हो सके, उसमें और कोई बीमारी ना आए। उसके बावजूद हम बोर्डेक्स मिक्सचर का भी एक स्प्रे दे देते हैं कई बार हार्वेस्टिंग के बाद। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि जब फल लगे हैं उसी टाइम हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, तो फल तोड़ने के बाद भी हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते रहते हैं ताकि अगले साल भी पौधा अच्छी अपनी ग्रोथ ले सके, अच्छी पैदावार किसान भाई के लिए दे सके। अब हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में। तो मैंने कहा जैसे ट्रेडिशनल जो हमारे बगीचे लगे पारंपरिक सीडलिंग रूट स्टॉक पे किसानों ने बगीचे लगाए हैं उनमें सिंचाई की भी अच्छी ज़रूरत रहती है, तो सिंचाई भी हम मार्च के बाद देना शुरू करते हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में हम सिंचाई देते हैं, लगभग 5-6 सेंटीमीटर की सिंचाई देते हैं और लगभग 20 दिन के अंतराल पे हम सिंचाई करते हैं। लेकिन मई और जून के महीने में जब तापमान थोड़ा बढ़ जाता है तो हम जो अंतराल जो कम कर लेते हैं, 10 दिन के अंतराल पे हम पौधे को 4-6 सेंटीमीटर या 5-6 सेंटीमीटर की सिंचाई देते हैं ताकि पौधा किसी भी तरह का कमी महसूस ना कर सके। तो कुल मिला के लगभग 40 सेंटीमीटर के करीब हमें सिंचाइयाँ देना पड़ती है। एक सिंचाई में हम जैसे 4 सेंटीमीटर देते हैं या 5 सेंटीमीटर देते हैं, तो लगभग 10 सिंचाइयों के करीब हमें देना पड़ती है, 4-5 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर की भी किसान भाई दे सकते हैं। जहाँ बहुत बड़े बड़े साइज़ के पौधे होते हैं वहाँ हम 6 सेंटीमीटर की सिंचाई भी देते हैं, पर अमूमन आमतौर पर हम 4-6 सेंटीमीटर की सिंचाई देते हैं और 35-40 सेंटीमीटर की कम से कम हमें वो सिंचाइयाँ देना पड़ती है। कुल मात्रा में हमें 40 सेंटीमीटर के करीब हमारा आती है कुल सिंचाई की जो मात्रा है। तो इस तरह किसान भाई मार्च अप्रैल में 20 दिन के अंतराल पे ही अपने बगीचे में सिंचाई करें और मई जून के महीने में लगभग 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करें, ताकि पौधा अपना पोषक तत्वों का अच्छा उसमें पोषक तत्व ले सके, क्योंकि पानी के ही माध्यम से पौधे की जड़ों तक पोषक तत्व पहुँचते हैं। और उसके बाद मैंने पहले भी कहा कि जब फल तोड़ान के बाद भी किसान भाई ये इसका बोर्डेक्स मिक्सचर का एक स्प्रे दे सकते हैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जिसको हम कहते हैं, ताकि कोई बीमारी ना आए। उसके बावजूद मैंने कहा कि इसका यूरिया का स्प्रे दे सकते हैं, 0.5-1% की इसकी कंसंट्रेशन होती है ताकि वो लीफ फॉल अच्छी तरह से हो सके।